अलार्म बजना स्टार्ट होगा। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास स्पोर्ट की डिजिटल की वॉच है इस टाइप की और उसमें अलार्म सेट करना नहीं आता तो हम कैसे सेट करेंगे। तो आप लोग देख लें, अगर हमारे पास इस टाइप की वॉच है तो अलार्म सेट करने के लिए हमारे को क्या करना होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इस टाइप की वॉच है तो आपको इसमें चार बटन मिल जाती है। पहला आपका लाइट का, दूसरा मोड का, तीसरा स्टार्ट का और चौथा रीसेट का है। तो अब हम बात करते हैं कि इस टाइप की वॉच में यार अलार्म को कैसे सेट करते हैं। अलार्म को सेट करने के लिए AM और PM को हमें ध्यान में रख के ही अलार्म को सेट करना होता है। मान लीजिए AM PM को हम ध्यान में नहीं रख के सेट करते हैं तो सुबह सेट करते हैं तो शाम को बजेगा, शाम को सेट करते हैं तो सुबह में बजेगा। जैसा कि अभी हमारा जो टाइम हो रहा है 2:47, ये हमारा AM में हो रहा है, मतलब सुबह के टाइम में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे PM रहेगा तो P रहेगा, फिर हमारे को PM में सेट करना होगा। तो 2:47 हो रहा है, मतलब 2:49 पे हम अलार्म को सेट करते हैं। तो अलार्म सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोड वाले बटन को 1-2 बार दबा देना होता है, एक बार आपको रीसेट को दबा देना होता है। जब एक बार रीसेट को दबाएंगे तो आपको जो घंटे वाला है ब्लिंक करने लगेगा। स्टार्ट में से कर लेंगे अपने हिसाब से सेट, जैसे कि अभी AM में ही चल रहा है दोस्तों। देखो अब देखो आपका PM में हो गया, ठीक है, ये PM आ गया ना, PM में हो गया आपका। तो PM में हमारे को नहीं करना है, हमारे को देखो आपको AM में करना है, ठीक है। अब देखो हमारा AM में चल रहा है, 2:49 करना है, तो 2 हमने कर लिया। उसके बाद एक बार रिसेट को दबा देंगे तो हमारा मिनट वाला ब्लिंक करने लगेगा। स्टार्ट में से कर लेंगे 49, ठीक है, 49 कर लिया। ये हमारा अलार्म कब सेट हो गया, 2:49 सुबह के टाइम में। उसके बाद मोड वाले बटन को एक बार दबा दिया, तो जैसे ही मोड वाले बटन को आपको एक बार दबा देना होता है तो अलार्म आपका सेट हो जाएगा। आप लोग देख लें, 2:48 हो रहा है, जैसे ही 2:49 होगा हमारा अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमने अलार्म किस टाइम पे सेट किया है। तो अलार्म देखने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मोड वाले बटन को 1-2 बार दबा देना होगा। आप लोग देख लें, 2:49 पे हमने अलार्म को सेट कर रखा है, ठीक है। तो कितना टाइम हो रहा है अभी हमारा, 2:48 हो चुके हैं और 27 सेकंड हो चुके हैं, तो थोड़ा टाइम हम वेट कर लेते हैं। देखिए अभी हमने जो AM में सेट किया है ना, अगर हम PM में सेट करते तो हमारा AM में नहीं बजता बल्कि PM में बजता, मतलब अभी नहीं बजता। और मैं आपको अभी बजा के लाइव दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए 58 हो गया, अब हमारा अलार्म बजना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप लोग देख लें, अलार्म बज रहा है, ठीक है, अलार्म बज रहा है। और उसके बाद बंद करने के लिए क्या करना होगा, स्टार्ट वाले बटन को आपको एक बार दबा देना होता है। देखिए बंद हो गया। तो मैंने पहले ही कह दिया कि AM और PM को ध्यान में रखते हुए ही आपको अलार्म को सेट करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं PM में सेट करता तो अभी नहीं बजता बल्कि दोपहर के 2:49 पे अलार्म बजता। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक करना और चैनल पर नया और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। रखिए अपना ख्याल नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।